तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, यहाँ आना चाहिए भाई। यहाँ मतलब एक से एक चीज देखने मिलेगा आपको, मतलब गजब। बस आया है तो अभी कुछ हटके देखने जा रहे हैं। क्या देख रहा है उमेश, खरीदना है कुछ? ये देखो सिप देख रहे भाई, एक से एक सिप है। वाह ब्यूटीफुल, मतलब गजब। क्या है? मुंबई बंदरा तिल होड़ियावा गलवते नेटिव क्राफ्ट इन बॉम्बे हार्बर। क्या 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 चीज है। और कुछ? ये सब तो ठीक है, ये सब देखे। ये क्या है? विदेशी समाज है। हाँ मतलब विदेशी समाज के कपल्स है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं, ये क्या है? ये पानी में तैर रही है जहाज। ये सब ओ, ये देखो एक से एक। नोबिता का घर कहाँ है इसमें? अरे उन लोग अलग ही भटक जा रहे हैं। मुंबई का मैप देखो, तो देखो बैंड्रा उधर है अपना, साइन हिल माहिम, यहाँ माहिम है देखो, माहिम वर्ली मांस का। अरे कब का है पता है? 1700 का है। ये 1700 का है, 1700-1800 के बीच का। अरे बाप रे, इतना पुराना साल पहले देखो, ये इतना पुराना है, देख रहे हो पूरा मैप है मुंबई का। तो ये वाइड एंगल से ले रहा हूँ अभी मैं, तो वो वाइड एंगल में क्या ही दिख रहा है भाई। उस साइड से चलते हैं, दोनों साइड देखेगा। ये वाइड एंगल में पूरा वीडियो बन रहा है, तो ये वाइड एंगल से बना रहे। हाँ ये सब दिखाया नहीं है वो घर। और ये क्या है? अच्छा ये खेती एग्रीकल्चर का है, पूरा ये एग्रीकल्चर का है देखो। सारी सुविधाएं, कैसा हल है, बैल, सब कुछ यहाँ पर है। क्या है ये? क्या है? अच्छा हाँ ये है मजदूरी, ऐसा गांव में रहता है भाई। वो दिल जीते। अरे रियल वाटर भी है, रियल नहीं है ना, फेक है, फेक है, फेक है, फेक है, फेक है, फेक वाटर है। ऐसा लग रहा है रियल वाटर है ये, बट ये फेक वाटर है। ये पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, देखो पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और इस साइड का तो, इस साइड का तो देखे ही नहीं हम लोग। इस साइड पूरा एग्रीकल्चर का था अभी, और इन लोग देख ही रहे। ये देखो ये है यहाँ पर, ये देखो ये कटाई, गांव में गेहूँ धान ये सब की कटाई होती है, वो सब हो रहा है भाई। यार क्या ही है। अभी यहाँ से शुरू होने वाला बहुत आधा अच्छा। ये मदुराई का मंदिर है देखो, पूरा मदुराई का मंदिर है। यहाँ पर लिखा गया है श्री मीनाक्षी मंदिर मदुराई, पूरा मदुराई के आगे। और दिखाते हैं राजा महाराजा सारे भगवानों की मूर्ति है। यहाँ पर यम है, सारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं। आपको इकट्ठा साथ सारे भगवान मिल जाएंगे। श्री कृष्णा, बहुत सारे भगवान यहाँ पर है। वहाँ उस साइड विष्णु है, शंकर भगवान है, पंत निशान। और ये कुछ पंत निशान है, आई डोंट नो ये क्या है, बट आई थिंक कुछ अच्छा ही है। आगे इस साइड हम लोग देखेंगे ये चीज़ ये है काशी विश्वनाथ। ये काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर है। मौका मिलेगा एक दिन यहाँ जरूर जाएंगे भगवान के नाम से, क्योंकि लगा कितना अच्छा भगवान है उसको तो जान रहे हैं। यहाँ पर सरस्वती लक्ष्मी और बहुत सारी अलग अलग देवियों की मूर्तियाँ हैं, सारी यहाँ पर व्यवस्थित रखी हुई है। और आगे बढ़ते हैं, देखा डिटेल थोड़ा उन्नीस भाई देंगे क्योंकि मैं थक गया बहुत ज़्यादा। कंटिन्यू करते हैं, हाय गाइस कंटिन्यू करते। तो ये है मंदिर, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। आर्मी फंड सारी डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिकली बताएंगे। हाँ आगे। अरे उमेश भाई इतना जल्दी मत भागो, तो आप बता के जाओ। कृष्णा सर का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। अच्छा हाँ कृष्णा बर्थडे सेलिब्रेशन, दिख नहीं रहा है सही से।
हाँ ये अभी दिख रहा है, सब कृष्ण भगवान का है क्या? गार्गा मुनि का अष्टिंग, यशोदा टाइम, सब कृष्ण भगवान का यहाँ पर चित्र दिया गया, अलग अलग कारनामे जो कृष्ण भगवान ने किए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये भाई, वाह वाह वाह, ये कृष्ण सभा, कृष्ण सभा है ये पूरा। अभी इतना, ये रहे हमारे कृष्ण भगवान स्वयं, हम यहाँ प्रकट हुए हैं, मतलब माफ करना, स्वयं कृष्ण भगवान की सभा है ये। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग, ये सब आई थिंक योगासन है, ये देखो ये सब कांटे पे लेटा करते थे, बाप रे पहले के लोग कैसे, देखो कांटों पे लेटते थे, जमीन पे पत्थर हुआ करता था। बाकी बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग चीजें दिखाई गई है, जिसमें आधे से ज्यादा चीज तो हमें मालूम भी नहीं है, कैसे योगासन करते थे पंडित लोग। किधर है भाई कटप्पा? हमें भी मिलना है, गलत जगह से लेके जाता है। वेयर इज कटप्पा? सूट ऑफ आर्मर, मतलब ये पूरे आर्मर का सूट रहता है, तो पहले के सैनिक लोग रहते थे उनका ये सूट बनता था। और ये चीज देखो, ये सेनापति, पूरा सेना है यहाँ पर, सब अलग अलग है, भारतीय लश्कर, भारतीय रेजिमेंट, ये पूरा ऐसा बताया गया है। यहाँ पूरी सेना खड़ी है तेरे को मारने के लिए, तू गया आज, गिर गया चारों तरफ से। ये क्या है? ये मैं देखा नहीं, ये जंगल लग रहा है मुझे, सब जानवर इंसान दिख रहे हैं। हाँ तू ही मुझे लग रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो। हाँ जरूर। हाँ तो ये आर्मी मेडल से है, देखो पूरे आर्मी मेडल से। एक मिनट, इतना कुछ दिख नहीं रहा है कांच की वजह से, लेकिन ये सारे ढेर सारे आर्मी मेडल से है, देखो एक से एक आर्मी मेडल से। मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, बट जो भी है बहुत बड़े बड़े पोस्ट की ये मेडल्स रहेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे चीज मुझे अच्छी लगी वो इंटीरियर इसका पूरा है, देखो इसकी बनावट जो है काफी सुंदर है, मतलब देख रहे हो इसकी बनावट देखो, ऐसा मतलब इतना खूबसूरत बनाया गया है कि दिल आ जाए आपका। यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर सजावट किया गया है, लाइट लगाया गया है, और ऐसी ऐसी चीजें रखी गई है जिन्हें देख कर आप थकोगे नहीं कभी। आगे बहुत सारी चीजें और देखते हैं, ये देखो नेबर्स मैप ऑफ बॉम्बे, ये क्या नेबर्स, वो भी है पर नहीं आ रहा है मुझे। द आइसलैंड ऑफ बॉम्बे, द आइसलैंड ऑफ बॉम्बे बाय कैप्टन, ये देखो पीछे देखो कितनी अच्छी अच्छी बॉम्बे फोर्ट, लुक एट बैक ब्रो, ओ ये देखो फोर्ट देखो। तो ये जितने मैप है मुंबई द्वीप के पुराने मानचित्र 1600 से 1800 से 1800 के बीच का ये सारा मैप है। हाँ मतलब जो भी है, और आगे तो खत्म ही होने वाला है, आगे क्या ही बोलू, मैप तो दिख भी नहीं रहा है अच्छी तरीके से क्योंकि पूरा काश में ढका हुआ है। ये चीज तो दिखाया ही नहीं भाई, मैं ये जहाज तो दिखाया ही नहीं, ये देखो क्या है, जहाज खरीदेगा उमेश? रॉकी मूवी देखा है KGF? उसमें शिप में, ऐसी शिप में जाता है। अच्छा इसमें कितने का टिकट है? पता नहीं, वो तो जाकर देख ले। तो ये है नीचे का व्यू पूरा, अभी पूरा हो गया है देख के खत्म, सब कुछ देख लिया हम लोग, सब कुछ इन लोग भी देख लिए सब कुछ। तो अभी चलते हैं नीचे थोड़ा बाहर की तरफ। मजा आया उमेश भाई? बहुत मजा आया। मैं देख स्पेशली, अपन तो क्या हमेशा घूमने जाते हैं, आज मेरे पास साथ पहली बार लक्की आया था, और अच्छी जगह लगा लाया था मैं म्यूजियम, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छी जगह, लेकिन जिसको ज्यादा नॉलेज रहेगा उसके लिए बहुत ज्यादा। तो तेरे लिए अच्छा है ना, तू अभी दसवीं में अंदर से आए, बाहर कुछ ज्यादा ही रोशनी हो रहा है, लेकिन भीड़ देख रहे हो भाई, ईद की वजह से इतना ज्यादा भीड़ है, क्राउड देखो उमेश पीछे टर्न कर देख कितना क्राउड है। अच्छा वो हम लोग रानी बाग नहीं गए, नहीं तो लग रहा है इधर मेला लगा। हाँ अगर हम लोग रानी बाग जाना रहता ना तो लंबा ब्लॉग है वैसे। हाँ अगर आपको रानी बाग का ब्लॉग विजिट करना है, मतलब देखना है, तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और पूरा अगर अंदर जाना रहता तो इतना लंबा चौड़ा लाइन लगाना पड़ता। ये है यहाँ पर आकर मजा आया भाई,
विजिट करने लायक है इधर, मतलब म्यूजियम काफी अच्छा है। ₹10 में पैसा वसूल है पूरा, मतलब ₹10 में और क्या ही ले जाओगे आप, सब कुछ देखने मिल जाएगा अंदर, अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। और रिक्वेस्ट है सौरभ भाई से, सौरभ सैनी मेरा दोस्त है, वो हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने में एक्साइटेड रहता है, तो उसको मैं कहना चाहूँगा इधर आए विजिट करे, देखे ₹10 लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, आकर देख ले भाई। ये लाइन देखो भाई, इतना लंबा चौड़ा लाइन लगा अंदर जाने के लिए टिकट के लिए। अभी इधर निकलते हैं घर के लिए, तो नाश्ता पानी करेंगे बाहर, देन उसके बाद जाएंगे घर पे। दोनों को देखो भटक रहे हैं ऐसे। Do you remember last night? Cause I blacked out in an all white dress with a back out. Said be careful with a heart cause it's fragile. And thinking about a past make a lash out. See with me, it ain't no worries at all. Any problem, I'll be there.